दोस्तों, कैसे हो आप सभी। न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जी, अभी जो है ना थ्रेडिंग करवाई है और कंचन को जो है ना घर पे बुलाया था मैंने, और काफ़ी दिन से जो है ना मैं इनको बुला रही थी और इन्होंने जो है बहुत इंतजार करवाया और आज जो है काफ़ी दर्द भी हुआ है बनवाने में। तो आज का दिन हो गया ना, इसीलिए हाँ। तो आज जो है ना शाम को एक पार्टी में जाना है, तो इसलिए करवानी भी ज़रूरी थी, ऐसे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए जो आज इनको परेशान करा मैंने। कोई बात नहीं। तो जी, आज मैं जहाँ पर जा रही हूँ ना, जिन्होंने बुलाया है ना, बड़े प्यार से बुलाया है, और जब कोई इतना प्यार दिखाता है ना तो उसके यहाँ जो है ना जाना भी पड़ता है। तो जी, अभी नहीं बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ, जब लेके चलूँगी ना, जब भी आपको दिखाऊँगी कि किसके यहाँ पर आए हैं हम। और जिसने भी बुलाया ना, बहुत ही प्यार से बुलाया, तो इसलिए जो है मैं जा रही हूँ। तो पहले जो है ना मैं यहाँ किचन में जो है बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि पहले जो है ना मैं किचन वगैरह जो है साफ़ कर दूँ, बर्तन छोड़ कर ना जाऊँ, और घर भी जो है ना साफ़ सुथरा ही करके जाऊँ। क्योंकि जब कहीं से आते हैं ना बाहर से और घर फैला हुआ होता है, किचन फैला हुआ होता है, तो अजीब सा लगता है, तो फिर जो है ना मुझे आके करना पड़ता है। तो पहले कई बार होता है ऐसा, जब बच्चे छोटे थे तो कई बार जो है ना मैं आकर करती थी, तो मुझे ज़्यादा जो है ना वो लगता था, क्योंकि थक जाते हैं और फिर बाहर से आके करो तो फिर अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए जो है ना मैं अब करके ही जाती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है ना लंच हो गया था, और तो लंच हो गया था, ये वीडियो जो है ना लंच के बाद का है। और कल जो है मैंने साग बनाया था, तो जब साग बनाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा छींटे पड़ती हैं, तो टाइल जो होती है ना, टाइल्स गंदी हो जाती हैं उससे। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रिज के लिए क्लीनर बनाया था ना, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने वो फ्रिज का क्लीनर भी बनाया था, तो उसी से जो है ना मैंने टाइल्स भी साफ़ कर दी और काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई टाइल्स भी। और जी, गैस जो है मैंने साफ़ कर दिया था, और जूने से जो है मैंने मांज दिया था, लेकिन पानी डाल के नहीं धोया, मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया। अगर रोज़ रोज़ इसको पानी से धोएंगे ना गैस को, तो इसके बर्नल जो है ना ख़राब हो जाते हैं, फिर गैस जो है ना सही से जो है जलता नहीं है, इसलिए जो है ना मैं गीले कपड़े से ही इसको जो है ना साफ़ कर देती हूँ। तो जी, यहाँ पर जो है किचन मेरा जो है क्लीन हो गया था, और बस अब जो है मेरे को कपड़े प्रेस करने हैं और नहाकर जो है फिर मैं भी तैयार होंगी और बच्चे भी तैयार होंगे। और तो जी, अभी जो है ना शाम के 6 बज चुके हैं और सभी जो है तैयार हो चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ, और वो ऑफिस से ही आ जाएंगे। और हम किस पार्टी में जा रहे हैं मैं आपको वहीं पर पहुंचने के बाद बताऊंगी कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, यहाँ पर जो है ना मैंने अपना सूट पहन लिया है, और मैं पहले सोच रही थी साड़ी पहन के जाऊँ, फिर मैंने सोचा चलिए जी सूट ही पहन के चल देते हैं। तो यहाँ पर सूट पहन के तैयार हो चुकी हूँ, शहरी, शालू और हनी जो है ना वो सब भी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और अभी दिखाती हूँ हम कौन कौन जा रहा है पार्टी में। यहाँ पर बैठी है शहरी, हनी और शालू और मैं, हम चारों ही जा रहे हैं यहाँ से। अभी जो है ना बस हम पहुंच ही गए हैं, और अभी जो है हम तिल्लोकपुरी की जो है ना मार्केट में हैं, और हनी को जो है मैंने मिठाई लेने के लिए भेजा है, तो हनी जो है मिठाई लेने गया है। और यहाँ पर शहरी आई है और शालू आई है और मैं आई हूँ और हनी आया, हम चारों आए हैं, और ये ऑफिस से पहुंच जाएंगे। और दीदी जो है वो सुबह ही चली गई है, तो वहीं पहुँच के आपको बताएँगे कि हम किसके यहाँ आए हैं। डालने से अगर वो हमसे कहेंगे कि इतने लेट आए हो, तो हम हनी का नाम लगा देंगे कि हम तो हनी से कह रहे थे चल चल हनी, हनी सोने में लग रहा था, तेरा नाम लगा दो ना है। अरे हाँ ना तो बोल दे, तेरा नाम लगा दूँ, बताइए देखिए। हाँ ना भी नहीं बोल सकता, बिल्कुल ड्राइवर बना हुआ है, अनजान ड्राइवर बना हुआ है बिल्कुल। पानी चालू कर दिया। चला तो सही, पानी कहाँ आया अभी, मोटर चलाना पड़ेगा ना, पानी मोटर चलाना।
तो जी आज जो मैं आई हूँ ना, जो मेरी जेठानी है ना, जो दीदी हैं, उनके जो है पियर में आई हूँ। आज जो है मम्मी रिटायर हुई है ना, तो आज जो है उसी की पार्टी है, तो उसी में जो है ना आज हम आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं बता रही थी कि आपको वहीं चल के बताऊंगी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी अब हम आ चुके हैं और सबसे लेट में जो है ना हम ही आए हैं, और हम उस वक्त आए हैं जब सारे मेहमान जो है ना जाने वाले हैं, और काफ़ी लेट हो गया हमको आने में। लेकिन यह है कि मम्मी भी खुश हो गई कि हम आए हैं, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर सबसे मिलकर। मेरी जो बड़ी वाली मासी हैं आज वो रिटायर हुई हैं, तो इसलिए आज हम सारे यहाँ पर आए हैं। तो लेट्स सी, देखो सनी जगह। हेलो गाइस, दिस इज माय फेवरेट दी मंजू दी, इनका चैनल है केएस ब्लॉग, केएस फैमिली ब्लॉग। ओके सॉरी, केएस फैमिली ब्लॉग। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इनकी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपना सारा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। चीज तो ऑफिस से जो है ना ये भी जो है यहीं पर आ गए थे, और बस अब जो है चलने की तैयारी हो रही है। चुके हैं घर के लिए, और हम फंक्शन में जो है ना काफ़ी लेट पहुँचे। हम उस टाइम पहुँचे जब सब मेहमान जा रहे थे। तो शालू जो है आज अपनी नानी के घर आई थी, हम मम्मी के घर आए थे, और यहाँ पर शायरी बैठी हुई है। आते वक्त भी ये आगे बैठी थी, और अब घर जा रहे हैं अब भी आगे बैठी है। हैं शायरी, अभी जो है ना 9 बज चुके हैं, और हम जो है ना घर आ गए हैं, और यहाँ पर हमारे आते के साथ ही जो है ना आरव भी आ गए, और आरव ने अपनी शैतानियाँ जो है ना शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों अब अपनी वीडियो जो है ना यहीं पर कर देती हूँ, एंड वीडियो अच्छी लगे हाँ आप करोगे बाय बाय, चलो बाय बाय करो, वापस देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू है तो आरव सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, वापस देखना।